Good morning, students. Today I want to teach you the poem, I do not want to be a fish. मतलब पोएट यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि वो फिश बनना नहीं चाहते. I do not want to be a fish, gulp is all I can say. When fierce and hungry sharks chase me, I would have to swim away. I would have to eat the yucky seaweed in the big blue sea. The very salty water is what I would have for my tea. I don't want to be caught by fishermen who come in ships. They will then sail me to people who will make me fish and chips. I do not want to be a fish. I think it is not cool. And honestly, I really don't want to live in a school. यहाँ पे पोएट बोल रहा है मैं फिश बनना नहीं चाहता क्योंकि जब शार्क्स बड़ा सा हंग्री सा शार्क्स मुझे चेस करेगा तो मैं बिल्कुल वहाँ से स्विम अवे मतलब तैर के दूर चला जाऊँगा. आई वुड हैव टू ईट द याकी स्वीट. याकी सीवीड मीन्स जो वीड मीन्स जो एक्स्ट्रा जो मतलब अनप्लेजेंट जो प्लांट होता है जो समुंदर के नीचे वो वाला सीवीड मैं मेरा खाना है मतलब फिश का खाना है. इन द बिग ब्लू सी बड़ा सा समुंदर में द वेरी सॉल्टी वाटर इज वॉट आई वुड हैव फॉर माई टी. चाय के हिसाब से वो सॉल्टी वाटर पीते हैं. आई डोंट वॉन्ट टू बी कॉट बाई फिशरमैन. कभी कभी फिशरमैन उनको मतलब पकड़ के क्या करते हैं हु कम इन ships. जो ships में आके उसको पकड़ते हैं. दे विल देन सेल मी टू पीपल हु विल मेक मी फिश एंड चिप्स. और उसके बाद उन लोगों के पास बेचता है जो फिश और चिप्स बना के खा लेते हैं. आई डो नॉट वॉन्ट टू बी फिश मतलब फिश नहीं बनना चाहता. आई थिंक इट इज नॉट कूल ये मेरे लिए बिल्कुल कूल नहीं है. एंड ऑनेस्टली आई रियली डोंट वॉन्ट टू लिव इन अ स्कूल. फिश जब एक साथ रहता है उसको बोलते हैं शोल या स्कूल तो वहाँ पे मैं नहीं रहना चाहता. तो यहाँ पे जो वर्ड मीन जो हार्ड वर्ड्स है पहले उसको मेंशन कर रही हूँ उसके बाद वर्ड मीनिंग्स लिखोगे तुम लोग. गर्ल फियर्स चेज या किसी वेट फिशरमैन honestly and school. तो ये जो क्वेश्चन ये जो आपका वर्ड मीनिंग्स और हार्ड वर्ड्स बोथ यू हैव टू राइट डाउन इन योर नोटबुक. और I will give the homework. This is your homework. You have to write down in your notebook. Why doesn't the poet want to be a fish? And why would I like to be a fish? अगर तुम fish होना चाहते हो तो क्यों और पोएट क्यों नहीं होना चाहते ये दोनों का कंपेयर करके लिखना है. ये तुम लोग खुद करोगे. और मेक अ लिस्ट ऑफ राइमिंग वर्ड्स इन द पोएम इसमें भी तुम लोग खुद लिखोगे. ये होमवर्क पूरा कंप्लीट करके मुझे अपना खुद का पर्सनल नंबर पे आप लोग सेंड करोगे. यू हैव टू डू द वर्क ऑल्सो. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.